अस्सलाम वालेकुम जी, इलस्ट्रेटर की अगली क्लास के साथ हाजिर हैं और स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। यहाँ तक तो हमने देख लिए थे टूल्स। अच्छा, आगे कुछ ही टूल्स आ रहे हैं आपके पास। शेपर टूल है, पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, और ये पाथ इरेजर है। पाथ को इरेज कर सकते हैं। ये हमने नाइफ से भी किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। नाइफ से भी कर सकते हैं या इरेजर जो इसमें से भी कर सकते हैं, ये पेंसिल इरेजर से भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। और जॉइंट टूल वही कंट्रोल चाहिए जिस तरह कर रहे थे, यहाँ से ये टूल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये बाहर आ गया है यहाँ पर आपके पास। और पहले हम ये देख लेते हैं, ये पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से फ्रीली आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब इसको थोड़ा फेयर करना है, तो ये आपके पास स्मूथ टूल है, और जाके इसको ज़रा फेयर कर लें, ठीक है। फेयर से क्या होगा, आपकी ये कम कर देगा जो आपके पॉइंट्स हैं, जितने कम पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको। अच्छा, इसके अलावा आप अगर फर्ज करें पेन टूल से हम कुछ बना लेते हैं, ठीक है। अब मुझे स्मूथ करना है, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं आप स्मूथ, ठीक ठीक है। यहाँ भी वर्क करेगा ये, ठीक है। डिपेंड कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से भी स्मूथ आप कर सकते हैं, सही है। जितना आप इसको ट्रैक करते रहेंगे, देखें पॉइंट, समटाइम वो अगर इसमें पॉइंटेड था तो उसने इसको कर्व कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्मूथ। ये आपका इरेज करेगा, अगर मुझे ये एरिया इरेज करना है, ये एरिया को इरेज करना है आपने, देखें इरेज हो गया। आप कंट्रोल जे से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल कंट्रोल जे ज्वाइन हो गया, अंडू कर रहा हूँ। या आप ये वाला टूल ले लें, ये इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया। अब फर्ज करें मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, एक मिनट पहले सेलेक्ट कीजिएगा इरेज करने से पहले, ठीक है। और ये इरेज कर दिया, यहाँ से भी इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये दो अलग पार्ट बन गए। अब मैं इसको जाता हूँ और इसको ड्रैग किया, ठीक है। फिर यहाँ गया, इसको ड्रैग किया, हो गया। ये मैं कंट्रोल जे से भी कर सकता था, इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है जी। सिंपल पेंसिल स्मूथ इरेजर, ठीक है, पेंसिल इरेजर और ये जॉइन। अच्छा, तो ये वो टूल है जो ऑलरेडी आपको आते हैं और पहले आप कर भी चुके हैं जॉइन वगैरह। अच्छा, आगे आपके पास जो टूल है शेपर टूल, ये शेप बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट मुझे रेक्टेंगल बनाना है, बन गया। सर्कल बनाना है, बन गया ओवल, ठीक है। सर्कल बन गया, ठीक है। पेंटागन, हेक्सागन वगैरह, ठीक है। अब इसकी साइड्स अगर आपने करनी है, बढ़ानी है, ऐसे साइड से ना, जब हम सेलेक्ट करें और ये जो डायमंड आ रहा है ना, इसको देखें, प्लस माइनस लाइन आ रहा है। अगर हम लेफ्ट पे जाते हैं तो ये माइनस हो रहा है साइड्स, और राइट पे जाते हैं तो ये प्लस हो रहे हैं साइड्स, ठीक है। तो ये खैर हम टूल से भी बना सकते हैं, ये टूल हमारे मौजूद है पॉलीगॉन का, और ये हमने हिट किया था। और यह नंबर ऑफ साइड्स आप ऐड करके भी, और ये इसके रेडियस कितना रखना है ये बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो वो आपने यहाँ भी इस तरह कर लिया है, ठीक ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका क्या काम है, अब फर्ज करें मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, और अब दोनों को मैं इसको मैं डिसलेक्ट करूँ, और ये मैंने शेपर टूल लिया, और ये देख रहे हैं एक साइन आ रहा है। अब इसको मैंने जाके इसको क्या किया, पंच हो गया इसके ऊपर, ये यूनियन हो गया ये, ठीक है। देख लें, मैं इसकी पोजीशन यहाँ कर दूँगा, और चाहे इसको डिसलेक्ट कर लें, जैसे इस पर आएंगे ये डॉट लाइन बन गई है। इसको जाके मैं इसको बता सकते हैं, तो ये देखें ये क्या हुआ, एक शेप बन गया, यूनियन हो गया। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, इसको आप, ठीक है, देखें मूव हो रहा है, ये आप डबल क्लिक कर लें, ठीक है। और यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आइसोलेशन मोड में आ गए, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। डबल क्लिक कर लें, दोबारा बाहर आ गए, तो ये एडवांटेज है। और अब देखिए, मैं इसके साथ इसको, ये क्या हुआ, रिमूव हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, इसको डिसलेक्ट करता हूँ, और अब देखें, ठीक है, क्या हुआ, यूनियन हो गया। अच्छा, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को से ऊपर लेकर जा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने डिसलेक्ट किया और ये अपना शेपर टूल ले लिया, और अब मैं ये वाला एरिया इसका माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया, और अब मैं इसको भी माइनस कर दिया, पंच हो गया, ठीक है। अब इसको वही एडवांटेज, जो पंच आप वहाँ कर रहे थे, मगर यहाँ के एडवांटेज, इसको आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लें, और उसको आप देखिए मूव कर सकते हैं ये,
टॉप पे ले आऊँ जहाँ से चाहिए, एडवांटेज है इसका, ठीक है। टाइमिकली आइसोलेशन से बाहर आ गया, या मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकता हूँ, यहाँ से हिट करें और इस तरह उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं ये मैंने लिया और इसके साथ मैं इसको रख रहा हूँ। और अब ठीक है, ये माइनस हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखें ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, इंटरसेक्ट कर गया, यानी कि आपने यूनियन भी कर लिया, पंच भी कर लिया और इंटरसेक्ट भी, तीनों चीज़ें हो गई। एडवांटेज क्या है, डबल क्लिक कर लें और इसको आप मूव कर सकते हैं बाद में ना, ये देखें, ठीक है। इसी तरह सर्कल को मूव करना है, सर्कल को मूव कर लें, तो ये आपका इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो ये आपके हो गए पेंसिल टूल, तो मिलते हैं चला अगली क्लास में। और बाकी मैं इसके असाइनमेंट्स अभी नहीं दे रही, ये मैं आखिर में दूंगा असाइनमेंट ना सबकी, एक दफ़ा मैं कंप्लीट करवा लूँ टूल्स आप लोगों को, उसके बाद मैं असाइनमेंट्स इंशाल्लाह तमाम टूल्स के दोबारा रिवीजन कराऊंगा और तमाम टूल्स के असाइनमेंट्स दूंगा, तो वो फिर आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।